24 घंटे से अधिक समय के बाद पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार का गुस्सा शांत हो गया है। ममता सरकार ने झारखंड बंगाल सीट पर बने डिबूडीह चेक पोस्ट पर लगे सील को खोल दिया है। डिबूडीह चेक पोस्ट खोलने के बाद से झारखंड से बंगाल में मालवाहक गाड़ियों के जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। झारखंड से लगे बंगाल सीमा से खोलने के बाद वाहन चालकों ने राहत की सांस ली है। गुरुवार की शाम लगभग 4 बजे से ममता सरकार के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल के बॉर्डर को सील कर दिया था। दरअसल अधिक बारिश होने के बाद डीवीसी ने मैथन और पंछी के फाटक को खोल दिया था। इसकी वजह से पश्चिम बंगाल के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसी से नाराज होकर ममता सरकार ने झारखंड से बंगाल आने वाली गाड़ियों के प्रवेश पर रोक लगा दिया था। हालांकि अब फिर से सीमा के खुल जाने से वाहन चालकों ने राहत की सांस ली है। देखिए, जनता के दबाव थे और हमने जिला प्रशासन से भी इमीडिएटली बात की है, जो उन लोगों की बंगाल की प्रशासन और बंगाल की सरकार से हमारी सरकार की बातचीत, ये तमाम चीज़ें जो है हम समझते हैं, जो ये जो बंदी है इसको तोड़ा गया, तो हम सबकी देन है, सबकी प्रयास है। ये डेडलॉक जो है विदाउट रीजन बनाई गई थी और बंगाल सरकार के द्वारा कल रात 12 बजे से जो बंदी की गई, आज हम समझते हैं जो हम लोगों को खबर मिली जो खुली है, तो चूंकि बंगाल सरकार ने खोलने का आदेश दिया, हम लोग भी जो बंगाल की गाड़ी को रोक के रखे थे 2 बजे से, उसको भी हम लोग अब चालू करने का काम। इस दौरान आप लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी कई बार बात क्या बता रहे थे? नहीं, हम लोगों ने झारखंड सरकार से ही रिक्वेस्ट किया जो इमीडिएटली बंगाल सरकार से, चूंकि ये आदेश माननीय मुख्यमंत्री महोदय बंगाल के द्वारा दी गई थी जो सारे बॉर्डर्स को सील करने, हम लोगों ने झारखंड सरकार से भी आग्रह किया था जो इमीडिएटली बंगाल सरकार से बात करे और इस डेडलॉक को खत्म। क्या कहेंगे दादा, बंगाल सरकार की इस तरह के रवैये से? देखिए, अब ये जो है हम फिर बोल रहे हैं, जो ये डीवीसी का मामला है और डीवीसी हेडक्वार्टर में या डीवीसी चेयरमैन को एज ए सीएम वो कभी भी बुलाकर बात कर सकती थी और इसका हल निकाल सकती थी। बॉर्डर सील करके या रोड जाम करके इसकी कोई भी फैसला नहीं होता। वहीं बंगाल सरकार के फैसले के बाद वादे के मुताबिक माले नेता अरूप चटर्जी ने भी जाम को खोल दिया है। डिबूडीह चेक पोस्ट के खोले जाने से वाहन चालकों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि ट्रकों में लदे सब्जी और फल जल्द ही खराब हो जाते हैं। इससे कारोबारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है, इसलिए ममता सरकार ने सोच समझकर जल्दी चेक पोस्ट खोलकर कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट।